हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो थर्ड डे मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे ना। अभी चेक करें, यहाँ पे नेल आर्ट की क्लासेस होती है ना, आप देते हो ना? ये यहाँ पे नेल आर्टिस्ट है, तो उस चीज को चेक कर रहे हैं कि क्या फ्लॉज है, ठीक है, कैसा है। गुड, नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। तब से हमारी गॉसिप चल रही है। देखो बीमार कितनी जल्दी उठ गए, वैसे बीमार थे, अब हमारी गॉसिप चल रही है तब से, क्योंकि यहाँ पे मेहंदी की बातें छिड़ गई है, नेल आर्ट की बातें छिड़ गई है, हेयर कलर की बातें छिड़ गई है। जहाँ पे चार पांच लड़कियां मिली नहीं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे कौन कौन से टॉपिक छिड़ जाते हैं। तो चूड़ा का डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ससुराल जाना है आजकल में, तो कह रहे हैं कि मैं मेहंदी लगवा के चूड़ा उड़ा लगवा के जाएंगे। और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड लगते हैं मुझे, है ना? ये ऐसी बैठे मिलेंगे यहाँ पे कोने में गपशप करते हुए। हाँ, ये बिफोर वाला है ताकि पता चले कि मेरा काम अच्छा था। तो आज है थर्ड डे और ये हमारी मॉडल और हमने इन हाउस से अरेंज करी हमारी थ्री मॉडल। फर्स्ट डे की तो थी संजना, और और सेकंड डे थी प्रियंका। तो हाँ, हमारी प्रैक्टिस इन हाउस से हम लोग अरेंज कर लेते हैं। नहीं, वो आपकी सिस्टर है ना, कोका? हाँ, मैंने कहा कल आ रहे हो, कहते नहीं, मैंने कहा परसों आ जाना, मेरे पास कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो परसों हो जाएंगे। तो अच्छा है ना, घर के घर में सब काम हो जाते हैं। देख लो यहाँ पे इतनी सारी मॉडल्स मिल गई। इस चीज की टेंशन भी नहीं है, प्रोडक्ट्स तो प्रोडक्ट्स, मॉडल लाने की टेंशन नहीं है। सब चीज अवेलेबल है हमारे स्टूडियो पे। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बाकी मैं लास्ट में शेयर करती हूँ। आज का वर्क बिफोर वाला देख ही लिया था, ये आफ्टर वाला है। आई मेकअप, ये पूरा लुक कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम कराया मेकअप है ना? अच्छा है ना? अच्छा, थैंक यू। और बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा एज अ टीचर। हाँ, नहीं, एज अ टीचर सच में आपने बहुत अच्छा किया है। बस अभी ना थोड़ा सा आपको नर्वस रहते करते टाइम, वो धीरे धीरे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस, जल्दी जल्दी नहीं कर पाती। कल होपफुली मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि कल तीन है ना, क्योंकि कल तीन मेकअप करने हैं आपको। ये ऑफ कैसे दिखाओ, जो हमारी लाइट है बड़ी यूज़फुल है। देखो, विदाउट लाइटिंग मेकअप इस साइड से दिखेगा। विदाउट लाइट है और लाइटिंग के साथ ऐसा, तो इसलिए लाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मुझे नोज भी अच्छा लग रहा है, पहले मुझे लग रही थी कि थोड़ा ज्यादा, अब अच्छा लग रहा है। स्माइल। अभी मैं पहुंची हूँ घर, चलिए सीढ़ियाँ चढ़ के आई, मेरी सास चल रही है। हाँ जी, तो अब हम जाने वाले हैं गुड़गांव। पारुल और पीयूष का हम लोगों ने डिनर होस्ट करा है, मैंने और कन्नू ने, तो वहाँ जाएंगे। बहुत लेट हो गए, वरना पा गुस्सा करेगी, फिर बोलते हैं। जन्मदिन मना,
आ रही है इतनी दूर क्यों आए, और मैं किसी को कुछ शिकायत लगा सकती क्योंकि एक मैं ही थी जिसने बोला यार साइबर सिटी गए बहुत टाइम हो गया चलो वहाँ चलते हैं, और मुझे क्या पता था ये मेरे लिए मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी इस चीज़ में। बट एनीवेज एक लॉन्ग ड्राइव हो गई, लेकिन घर में जो एक लौती मैनुअल कार है वो मेरे ही हाथ में है और मेरे को बहुत ही दुख है इस चीज़ का। अच्छा है ये जल्दी निकले, और मम्मी तब से सुना रही है कि क्यों आए इतनी दूर, दो रोटी के मारे दो रोटी के मारे कि बस एक दो रोटी तो खानी थी घर ही खा लेते इतनी दूर चले ट्रैफिक में। तो ये प्लेस तो बहुत अच्छी है, सब बिल्डिंग्स के बीच में है, बड़ा अच्छा सा यहाँ पे माहौल होता है, सब कुछ बड़ा अच्छा सा है, लेकिन मुझे ये पता चला मैंने जाना कहाँ है, मैं कितने साल बाद आ रही हूँ, 3-4-5 साल बाद आ रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं पूछते पूछते चली जाऊँगी पंजाब ग्रिल कहाँ पे है ये। अब मैं किया को ये बता रही हूँ, किया को ना वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिटी बहुत पसंद है, मैंने कहा है ना ये सिटी की तरह, कहती हाँ मम्मा, जब जब ये मुझे कंप्लेन करती थी मम्मा कितना टाइम और लगेगा, मैंने कहा किया सिटी इंजॉय करो, सिटी बिल्डिंग्स वगैरह ये सब इंजॉय करो, तो बड़ा ही अच्छा सा एनवायरमेंट रहता है, लाइव म्यूजिक हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, बड़ा अच्छा म्यूजिक रहता है। सच में ही ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मेलबर्न सिटी में हम लोग वॉक करते हैं, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखोगे ना तो वहाँ पे ऐसा सही माहौल रहता है, ऐसी प्लेस है सिटिंग की, बीच में कुछ कुछ होता रहता है जैसे यहाँ पे हो रहा है। अच्छा है बड़ा, बहुत कुछ चेंज हो गया 4-5 साल में। तो अब हम लोग ढूंढ रहे हैं पंजाब ग्रिल, क्योंकि वो दोनों आ चुके हैं जो हमारे गेस्ट थे और होस्ट बाद में जा रहे हैं। एनीवेज घर की बात है, मैं तो जाके सबसे पहले सॉरी बोलने वाली हूँ, गलती हमारी है। मम्मी हमारी तरफ से डिनर था तो अच्छी जगह होना था ना। अरे हाथ दुखा दिए इसने, मैं मन ही नहीं कर रहा था जगह ढूंढ रही। हेलो साहिब बेटू कैसे हो आप, चलो मैं पहले पिक्चर्स ले देती हूँ। अगर लेट तक कुछ यहाँ पे
पे चल रही है इन माँ बेटों की गॉसिप, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन मैं पार्ट इसलिए नहीं हो पा रही, एक तो मैं टेबल की दूसरी साइड हूँ, दूसरा मैं शान को पिक कर रही हूँ, उसको घुमा रही हूँ, उसका टाइम पास कर रही हूँ क्योंकि उसका बैठने का मन नहीं कर रहा है, इसको एक बार घुमा के लेके आई हूँ, फिर वापस आई हूँ, फिर मैंने कुछ कुछ सुनने की कोशिश करी है लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। तो मैंने इन्हें बोला है कि ठीक है यार, जो बातें मुझे बाद में बता देना, यही सब चीज़ें तो मैं वहाँ मिस करती हूँ और यहाँ पर मिस कर रही हूँ। कोई नहीं, तो खा पी के ढेर सारा ठूस के वो आइसक्रीम लेने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किया को आइसक्रीम चाहिए इसलिए। और यहाँ म्यूजिक चल रहा है, मैं ज्यादा ब्लॉग बनाऊंगी नहीं। खा पी के एक कॉफी लेंगे, स्टारबक्स पे साढ़े सात बैठने वाले हैं, क्योंकि कन्नू और मेरा ना, हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ सीजन, चाहे समर हो या विंटर हो, हमें कॉफी और चाय तो चाहिए ही होती है। तो यार चाय तो इतनी अच्छी मिलेगी नहीं, तो कॉफी लेने वाले हैं। चाय के लिए इतनी शॉर्टी नहीं होती है, अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी, कॉफी की शॉर्टी तो होती है ना कि अच्छी मिलेगी। दो पक्का? हाँ, पीयूष और पायल से पूछ ले। पारू लेके आई, हम पारू से कह रहे हैं मैंने कॉफी तो ले ली, इसे खोल और दे, प्लेट लेके आ जाए, कहीं खोल लेते हैं। ये दूसरा वाला है, नहीं ये वही है जो पहना हुआ था इसने, बाकी दूसरा खो गया। ये देखो भाई जजी को भी छाले हो गए, जजी बोल नहीं पा रहे, बहुत कम बोल रहे हैं आज, बहुत कम। ओहो, क्यों क्यों पेन हो जाएगा, कर क्यों कर रही है ऐसे। इसके बाद शान ने इतना रोना शुरू करा कि मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। दैट इज़ इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना अपनों का ध्यान रखना।